जीएसटी बिल को लेकर लगातार चल रही जंग को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया। हालांकि राम मंदिर और जम्मू कश्मीर में सरकार के मामले में केंद्रीय मंत्री घुमा फिरा कर जवाब देते हुए नजर आए। अक्सर अपने बयानों के जरिए विरोधियों को निशाने पर लेने वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जीएसटी बिल पर सहमति को लेकर कांग्रेस को निशाने पर लिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने जीएसटी को लेकर ऐसी शर्तें रखी जो नामुमकिन नजर आती हैं। इतना ही नहीं, रविशंकर प्रसाद ने ये भी कहा कि लगता नहीं है कांग्रेस कभी सत्ता में वापस लौट पाएगी। देश की अपेक्षा जीएसटी के बारे में बहुत है। आपने मुंबई में श्रीमान राहुल गांधी का एक वक्तव्य देखा होगा कि हमारी 3 शर्तें मानो तो हम पास कराएंगे। उनकी सरकार में उनके 2 वित्त मंत्री थे, प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति हम सभी सम्मान करते हैं और चिदंबरम। इन लोगों ने कभी कोई कंडीशन नहीं दिया था। यह कंडीशन कांग्रेस पार्टी ने हारने के बाद लगाया। इस पर वित्त मंत्री माननीय जेटली जी ने, वेंकैया जी ने सोनिया जी को समझाया, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उनको, मनमोहन सिंह को बुलाया अपने घर पर, आपको मालूम है। मनमोहन सिंह बात को समझते हैं, वित्त मंत्री रहे हैं तो खामोश रहते हैं। अब राहुल गांधी ने जो 3 शब्द बताए उसमें एक शब्द क्या है कि ड्यूटी क्या होगी यह भी संविधान में रहना चाहिए। अभी तो सामान्य ज्ञान की बात है। मान लीजिए उन्हीं की पार्टी की कोई राज्य की सरकार है, वो कहेगी कि हमारे यहां इस बार बहुत सूखा पड़ गया तो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों पर अधिक ड्यूटी लगाएंगे, जो विदेशी गाड़ियां हैं, तो उसके लिए संविधान के संशोधन की जरूरत पड़ेगी क्या? आपको मालूम है, संशोधन कराइए, 2/3 बहुमत लाइए, दोनों से पास कराइए, फिर 2/3 राज्यों से अप्रूवल कराइए। तो अब ये तो एक अजीब बात है कि राज्यों के अधिकार का हनन हो रहा और उसमें एक जीएसटी काउंसिल है जहां विचार हो सकते हैं। तो कांग्रेस के मित्रों से मैं बात करता हूं तो कहते हैं भैया तुम जो बात कहते हो तो समझते हैं हम, लेकिन क्या करें? तो कांग्रेस की समस्या है क्या करें? क्या कांग्रेस अपने हार से अभी तक अपने को संभाल नहीं पा रही है क्या? या हम ये मानकर चले कि कांग्रेस ने मान लिया है कि आगे उनको कभी सत्ता में नहीं आना है? अच्छी बात है। वैसे जो आचरण है उसके संकेत अब कम ही है। राम मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार के वादे पर रविशंकर बोले कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और इस मामले में आम सहमति के बाद फैसला जरूर होगा। अयोध्या के मामले में, और आपकी जानकारी के लिए, हाई कोर्ट का फैसला यह आ चुका है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं वो स्थान है, हिंदू मानते हैं कि राम का जन्म हुआ। यह हाईकोर्ट का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और एक बात मैंने पहले भी कही थी कि सहमति से बातचीत हो सकती है, और मुझे मालूम है कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग सहमति के पक्ष में भी है। वहीं बिहार में जंगल राज को लेकर मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना था कि ये चिंता का विषय है और वे आशा करते हैं कि नई सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी। मैं बिहार से आता हूं तो बिहार में जो रोज हत्याएं हो रही हैं, पटना में एक आभूषण का काम करने वाले व्यक्ति को रंगदारी के लिए गोली मार दी गई, इंजीनियर को मारा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी भर्त्सना भी करता हूं। नई सरकार आई है, मैं उम्मीद करूंगा नीतीश जी इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में अपने को पंगु महसूस कर रही है, यह मैं अवश्य कहना चाहूंगा। बिहार के विकास के लिए हम लोग सभी लोग चिंतित हैं और हमारे प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि जब तक पूर्वी भारत का विकास नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान का विकास नहीं होगा। उसमें उड़ीसा है, बंगाल है, आसाम है और बिहार है, और इसमें कहीं हमारी सरकार नहीं है। तो यह हमारी ईमानदार सोच है, लेकिन विकास के लिए शांति जरूरी है, विकास के लिए विधि व्यवस्था जरूरी है। अपने 2 दिनों के इंदौर दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हालांकि संचार और प्रौद्योगिकी मंत्री ने बीएसएनएल की बेपटरी होती व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए पूरा फोकस तो दिखाया है, लेकिन आने वाले दिनों में बीएसएनएल की सुविधाएं कैसे बेहतर होती हैं ये देखना भी लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।